पहले मुझे बता दीजिए एकदम ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को वेरी गुड मॉर्निंग एवरी थिंग इज फाइन फर्स्टली टेल मी देन आई विल स्टार्ट द सेशन एक बार कॉमेंट सेक्शन में आके बता दो सब कुछ सही आ रहा है अभी ऑडियो वीडियो आज के सेशन में वेरी गुड मॉर्निंग बात करेंगे लिगोपॉली की लिगोपोली के मॉडल्स की बात करेंगे सो हमने कल कल्यूसीगोपोली कहा था कल वीडियो में कुछ गड़बड़ रही थी बट आज वो दिक्कत आपको नहीं आएगी uh, आज नॉन कल्यूसीव लिगोपोली की बात करेंगे सो मैक्सिम जितने भी मॉडल्स हो सकेंगे आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपना पेन पेपर निकाल लीजिए साइमल टेस्टी नोट डाउन करने के लिए चीजों को फटाफट से एक बार लाइक like शेयर कर दीजिए सेशन को और ताकि काफी सारे लर्नर्स जो है हम हमारे साथ जुड़ पाए और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए एज यू नाउ लेके आते रहते हैं तो यस वेरी गुड मॉर्निंग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं so, मैं आपको बता दूं कल हमने पढ़ा था कल्यूसिव एल इकोपोली कल्यूसिव में हमने कल कार्टल्स एंड प्राइस लीडरशिप के बारे में पढ़ा था टुडे वी विल डिस्कस नॉन कल्यूसिव एल इसमें हम कुरनो का मॉडल आज पढ़ेंगे ठीक है तो यस निंग एक बार प्लीज थम्स अप दे दीजिए मुझे okay, so let's start. Let's start so, में वो फॉर्म्स आते हैं जिनमें किसी भी तरह की टिकट एग्रीमेंट नहीं होती कोई भी निगोटिएशन नहीं होती है ना किसी भी तरह का निगोटिएशन वो आपस में नहीं करते और किसी भी तरह की एग्रीमेंट पर वो नहीं पहुंचते जैसे कि कल्युसिव ओलिगोपोली में था उन्होंने अब एक कार्टेल बना लिया या जो लो कॉस्ट वाला फर्म है वो जो प्राइस डिसाइड करेगा सभी को मारना पड़ेगा है ना है ना वो एक एग्रीमेंट थी बट इसमें नॉन कोलिसी वालोपोली में किसी भी तरह की कोई एग्रीमेंट नहीं होती मैक्सिमम जी इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं तो क्लियर हो सकता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बट प्लस में ये होता है कि आपको सारा सिलेबस ना सारा कोर्स एक ही जगह पर एक पूरी सीक्वेंस में मिल जाता है तो उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती आपका मेन टाइम बचता है है ना प्लस से सब्सक्रिप्शन से आपको ये फायदा होता है तो आप देख लीजिए अभी ट्वेंटी परसेंट ऑफ चल रहा है आज का दिन नहीं है आज आपको काफी सस्ता पड़ेगा अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ पे ले सकते हैं ठीक है

ये जो लो कॉस्ट फॉर्म है ये लो कॉस्ट फॉर्म है ये अपने प्राइस को कम रखती है बाकी फॉर्म से और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है और बाकी फॉर्म्स को भी इसी को फॉलो करके अपने प्राइस को इतने इसके जितना रखना पड़ता है चाहे उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो चाहे ना हो है ना लो कॉस्ट फर्म ने जो प्राइस रख दिया बाकी सभी फर्म्स को वही प्राइस फॉलो करना पड़ता है ठीक है तो प्राइज लीडरशिप की दूसरी टाइप होती है डोमिनेंट प्राइज लीडरशिप इसमें होता है कि जिस फॉर्म का मार्केट में शेयर सबसे ज्यादा है वो प्राइस सेट करेगा और बाकी स्मॉल फॉर्म्स को वही प्राइस मानना पड़ेगा बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में होता है कि जो मार्केट में सबसे एक्सपीरियंस्ड फॉर्म है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है वो प्राइस सेट करेगा और बाकी सभी को वही प्राइस मानना पड़ेगा ठीक है ये था इसका कंक्लूजन तो so, बात करेंगे कुरनो मॉडल की सो so, कुरनो मॉडल जो है ये 1838 में आया था ऑगस्ट कुरनो के द्वारा तो थोड़ी सी इसकी एजम्पन्स पढ़ लीजिए uh, देखिए दो फर्म्स रहते हैं इसमें टू फर्म्स और जो फर्म्स हैं हमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कुरनो है उसने अपने मॉडल में मिनरल वाटर स्प्रिंग की उदाहरण ली है किसकी उदाहरण ली है मिनरल वाटर स्प्रिंग की ठीक है तो इसमें क्या होता है कि एक फर्म एज्यूम करता है कि उसका जो कंपिटिटर है उसका जो राइवल है वो अपने आउटपुट को कॉन्स्टेंट रखेगा वो अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेगा ठीक है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गुड इसमें जीरो रहता है दैट मीनस मार्जिनल कॉस्ट जीरो रहेगी uh, जो फर्म्स हैं वो साइमल्टेनियसली डिसीजन लेते हैं ये अब हम अभी डायग्रामेटिकली इस चीज को समझेंगे तो आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अदर फर्म जो दूसरे फर्म के द्वारा आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है वो बचे हुए आउटपुट का आधा होता है कैसे वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग तो मैं पहले आपको डायग्राम से ही थोड़ा सा समझाती हूँ देन हम इसकी तरफ आते हैं ठीक है देखिए इसमें क्या रहता है ये इस तरह से दिस इज़ डिमांड कव और इसके पीछे जो है ये आपका बनता है एम आर कुलकुर्नो मॉडल की बात कर रहे हैं एम आर इसके सेंटर से यहां से निकलता है मार्जिनल रेवेन्यू सो ये ए फॉर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कव है ये बी फॉर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कव है ठीक है और ये है डिमांड कव इनका ए एंड बी का ठीक है तो कुरो मॉडल में क्या होता है कि सबसे पहले जो ए है ना ए मार्केट में आता है तो टोटल आउटपुट कितना है मार्केट में ओडी तो ए क्या करता है टोटल आउटपुट का आधा प्रोड्यूस कर लेता है ये मार्जिनल रेवेन्यू कब है ए का तो वो यहाँ पे इतना आउटपुट प्रोड्यूस करता है ए वाला जो फॉर्म है जो ए वाला फॉर्म है वो इतना आउटपुट प्रोड्यूस करता है कितना आउटपुट और प्राइस है ठीक और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करता है इस पॉइंट पे आपका इलास्टिसिटी जो है वो एक के इक्वल है और टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमाइज हो रहा है दैट्स तो अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए जो ए फॉर्म है वो इस लेवल पर इक्वलिब्रियम में रहता है इतना आउटपुट और इतना प्राइस जो है वो रखता है ठीक है फिर बी फॉर्म मार्केट में आता है जैसे कि हमने कि कि हमने पढ़ी ये सोचेगा क्या सोचेगा क्या अपना output नहीं बदलेगा अपने को जितना बचा हुआ output है, बचा हुआ है ना इतना बचा हुआ है इतना हिस्सा बचा हुआ है तो बचे हुए का क्या करेगा आधा प्रोड्यूस करेगा यही पढ़ा था हमने तो बचे हुए आउटपुट का वो आधा प्रोड्यूस करेगा यानी कि इतना मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी इतना प्रोड्यूस कर तो जो बी है वो प्राइस रखेगा ओपी वन एंड इतना प्रोड्यूस करेगा बचे हुए आउटपुट का इतना पोर्स फाइन तो इसी तरह से ये चीज टर्न बाय टर्न चलती रहेगी फिर ए फॉर्म मार्केट में आएगा फिर जो बचा हुआ आउटपुट है वो उसका आधा प्रोड्यूस करेगा ये चीज इसी तरह से चलती जाएगी तो एट द एंड इसकी कंक्लूजन क्या निकलेगी एट द एंड इसकी कंक्लूजन ये निकलेगी एट द एंड इसकी कंक्लूजन निकलेगी कि दोनों टोटल आउटपुट का वन थर्ड ही प्रोड्यूस कर पाते हैं दैट मींस अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते ठीक है आउटपुट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते और इसी तरह से वो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइस का टू बाई थर्ड प्राइज ही रख पाते हैं यानी कि प्राइस नहीं रख पाते ध्यान से इस चीज को समझेगा दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू मैंने क्या कहा मैंने क्या कहा कि वो टोटल आउटपुट का टोटल आउटपुट का इतना वन बाई थ्री ईच फॉर्म टोटल आउटपुट का वन बाय थ्री प्रोड्यूस कर रहा है तो दोनों फॉर्म्स मिलके टोटल आउटपुट का कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं टू बाई थर्ड टोटल आउटपुट मतलब जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट That means, वो दोनों फॉर्म मिलकर परफेक्टली कॉम्पिटेटिव आउटपुट का टू बाई थर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि फर्म one by third produce कर रहे हैं। इसी तरह से वो दोनों फॉर्म मिलकर टोटल टू बाई थर्ड प्राइज रख रहे हैं यानी कि ईच फॉर्म कितना प्राइज रख रहे हैं वन बाई थ्री ठीक है तो टोटल तो दोनों फॉर्म्स का मिलकर कितना प्राइज हुआ टू बाई थ्री किसका टू बाई थ्री

क्योंकि एक फर्म हमेशा मार्केट में आने से पहले यही सोच के चलता है कि दूसरा फर्म अपने आउटपुट को कॉन्स्टेंट ही रखेगा बदलेगा नहीं तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना डिसीजन लेता है बट अगर वो ये चीज करता कि दूसरा फर्म जो है वो अपने आउटपुट को बदल लेगा आने वाले टाइम में है ना तो शायद उसके डिसीजन कुछ और होता तो वो पूरा मोनोपलिस uh, प्राइस चार्ज कर पाते वो चीज हम चैम्बरलिन के मॉडल में पड़ेंगे तो एक चीज और याद रखिएगा ये जो फॉर्म हैं ये अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स को को मैक्सिमाइज कर रहे हैं नहीं जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ए फॉर्म पहले मार्केट में आता है वो अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करता है जहां पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है इसी तरह बी मार्केट में आता है फिर वो अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज क्योंकि वो ये चीज सोचते ही नहीं है कि वो एक दूसरे पर इंटर डिपेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की जरूरत है इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की जरूरत की, की बजाय है ना Fine, so this is all about the Kurno model.

अगला मॉडल हम करेंगे नेट की बुक अमेज़न से मिल जाएगी आप नेट पे सर्च करके देखिए तो का करते हैं पहले बैक ट्रेंड का मॉडल 1883 तो अब ध्यान से समझिएगा बैटर्न के मॉडल के बारे में पहले हम चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए फिर हम इसकी तरफ आते हैं ठीक है तो ये है डायग्राम

तो ये यहाँ पे प्राइस है और नीचे वाली एक्सिस पर क्वांटिटी ठीक है सबसे हाईएस्ट प्राइस चार्ज कर इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर फिर उसके बाद बी फर्म आता है अब जो बी फर्म मार्केट में आता है ना तो बी विल रियलाइज अब यहाँ पे जम्पशन क्या है ध्यान से समझिए कुरनो के मॉडल में क्या होता था दूसरा फर्म जब मार्केट में आता था तो वो ये सोचता था कि पहला फर्म अपने आउटपुट को कॉन्स्टेंट रखे है, है ना बट इसमें क्या होता है कि जब दूसरा फर्म मार्केट में आता है वो अज्यूम करता है कि पहला फर्म अपने प्राइस को कांस्टेंट रखे ठीक है तो यहाँ पे बी जो है वो अज्यूम करके चलता है चलता है कि जो ए है वो अपने प्राइस को क्या रखेगा कांस्टेंट कांस्टेंट रखेगा ठीक है तो ये चीज सोच के ना जो बी फर्म है ना वो ए से थोड़ा कम प्राइस चार्ज कर लेता है ना प्राइस चार्ज कर लेता है m डश n क्यों क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं ए से थोड़ा सस्ता बेचूंगा तो मेरे पास कस्टमर्स ज्यादा आएंगे सस्ती चीज देख के तो मैं ज्यादा आउटपुट सेल कर सकूंगा ये देखिए इससे ज्यादा ये सेल कर पा क्वान्टिटी है तो क्वांटिटी है जो ये सेल कर पा रहा बी सेल कर पा रहा है तो वो सोचता है कि मैं ए से ज्यादा बेच पाऊंगा मेरे पास कस्टमर ज्यादा आएंगे ये चीज सोच के बी अपने प्राइस को कम कर लेता है इसी तरह से फिर से ये एम आता है ये एम कहता है कि बी तो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगा तो मैं इससे थोड़ा कम प्राइस चार्ज कर लेता हूँ इससे ज्यादा बेचने के फिर से बी फॉर्म मार्केट में आता है वो कहता है इससे कम चार्ज कर लेता हूँ प्रॉफिट को मैक्सिम अपना आउटपुट को बढ़ाने के लिए इसी तरह से फर्म क्या करते हैं एक दूसरे से कम प्राइस चार्ज करते 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 और कम और कम एट द एंड उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पे वो उतना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं जहां पे उनका मार्जिनल कॉस्ट और उनका प्राइस जो है वो इक्वल हो जाता है अन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस किसकी कंडीशन होती है परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन जिसमें प्राइस सबसे कम होता है और आउटपुट सबसे मैक्सिमाइज होता है तो एट द एंड वो इसी तरह से करते करते फर्म्स परफेक्टली कम्पिटिटिव इक्वलिब्रियम पर पहुंच जाते हैं कहाँ पर पहुंच जाते हैं परफेक्टली कम्पिटिटिव इक्वलिब्रियम पर आई बात समझ में अब ये चीज पड़िए तो अदर फॉर्म विल कीप द प्राइज ये अज्यूम है ठीक है एक फॉर्म एज्यूम करता है कि दूसरा अपने प्राइस को कॉन्स्टेंट रखे प्रोडक्टिव कैपेसिटी अनलिमिटेड है बिल्कुल भी फॉर्म में वो नहीं है कि उनको इतना ही प्रोड्यूस करना है वो जितना चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट्स वो अपने प्राइजेस को कम कर रहे हैं कि तो कि उनको पता है प्राइस so, जैसे ही फॉर्म प्राइस को कम करते हैं तो वो पूरी एंटायर आउटपुट कैप्चर कर सकते हैं जितना भी आउटपुट है वो कैप्चर कर सकते हैं इसीलिए दैट्स द रीजन की फॉर्म जो है वो अपने प्राइस को कम करते जाते हैं रिजल्ट ये होता है कि उनका प्राइस जो है वो उनकी एवरेज कॉस्ट कैन से मार्जिनल टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होता है तो बैटरन के मॉडल so, में इक्वलिब्रियम कहाँ पे होता है, uh, है जहाँ पे आपका प्राइस मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है। फाइन सो दिस इज बैटरन मॉडल बताइए सबको समझ में आ गया ये दो मॉडल्स सबको समझ में आ गए हैं। तो अगला मॉडल देखिए हाँ स्टेकलबर्ग कुरनो का एक्सटेंशन है आज हम अभी स्टेकलबर्ग नहीं पढ़ेंगे एजुअर्थ पढ़ेंगे तीन मॉडल्स कर लेंगे कुरनो बैटर्न एंड एजुअर्थ ठीक है उसके बाद आपका स्टेकलबर्ग रह जाएगा एंड किंग डिमांड कब रह जाएगा वो हम कल करेंगे फाइन तो एजर्थ मॉडल एजर्थ मॉडल जो है ये बैटर्न मॉडल की मॉडिफिकेशन है और ये मॉडल कब आया था एटीन में आया था ठीक है पहले इसको भी हम डायग्रामेटिकली समझने का प्रयास करते हैं ये डायग्राम है इसकी सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट डायग्रामेटिकली फर्स्ट देन वी विल कम जो एजम्पन्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं चलो तो ए फॉर्म है एंड बी फॉर्म है तो सबसे पहले एक फॉर्म मार्केट में है जिसको मर्जी ले लो इधर वाले को ले लो क्योंकि यहाँ पे एम एन है तो जैसे ही ए फर्म मार्केट में आता है सो तो वो ऑब्वियसली अपना सबसे जो प्रॉफिटेबल प्राइस है वही चार्ज करेगा कौन सा एम ये वाला ये वाला तो ये मार्केट में आया उसने सबसे प्रॉफिटेबल प्राइस जो है वो ए एम सबसे प्रॉफिटेबल प्राइस जो है वो ए एम चार्ज करेगा तो क्लियर है ना इट्स फाइन ठीक है हाँ सो हम एजुअर्थ की बात कर रहे थे तो so, क्या होगा यहाँ एजुअर्थ में जो फॉर्म है वो सबसे प्रॉफिटेबल प्राइस जो है अपना uh, एम ए एम ये चार्ज करेगा ठीक है और ओ ए आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगा उसके बाद आता है बी फर्म मार्केट तो जैसे ही बी फर्म मार्केट में आता है अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा बैक ट्रेंड और ये मॉडल में क्या फर्क है ये जो मॉडल है ना इसमें फर्म की जो कैपेसिटी है ना वो लिमिटेड है प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है अनलिमिटेड नहीं है लिमिटेड कैपेसिटी है यहाँ पे फॉर्म की ठीक है तो अब जब दूसरा फॉर्म बी मार्केट में आएगा वो कहेगा कि मैं अपने प्राइस को इससे थोड़ा सा कम रख लेता हूँ और अपने आउटपुट को बढ़ा लूंगा जैसे कि हमने बेटर में पढ़ा था तो बी मार्केट में आता है वो अपने प्राइस को थोड़ा सा कम रख लेता है दैट इज बी वन एन रख ले जी ये रख लेता है तो फिर उसके बाद फिर से ए मार्केट में आता है अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है कि कैपेसिटी उनके पास लिमिटेड है मतलब वो एक लिमिट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करती है तो जब फिर ए तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता अगर मैं इससे अगर वो कम आउटपुट अगर वो अपने प्राइस को कम करता है तो वो अपने आउटपुट को नहीं बढ़ा पाएगा अगर वो अपने प्राइस को कम करता है तो वो अपने आउटपुट को नहीं बढ़ा पाएगा रीजन कि वो एक लिमिट से कम प्राइस चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते इस चीज को ध्यान से समझिए ठीक है तो दैट्स कि जो फर्म्स हैं वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड मोनोपलिस्ट प्राइस में ऑस्किलेट करते रहेंगे भ्रमण करते रहेंगे देखिए क्या होगा यहाँ पे अब ये जो ए फर्म है ये जो ए फर्म है वो कहेगा कि ठीक है इसने इतना प्राइस चार्ज किया

तो मैं गर, मैं क्या करता हूँ कर दस यूनिट ये बेच सकता है और दस यूनिट मैं बेच लूंगा इतनी प्राइस। बात समझे अंडरस्टैंड अब फिर से बी मार्केट में आया बी बी ने सोच समझ एज्यूम किया कि जो ए वाला है ये तो अपने प्राइस को कॉन्स्टेंट रखेगा तो बी क्या करते हैं बी ना फिर से सबसे हाईएस्ट प्राइस चार्ज कर क्यों कर लेता है देखिए में क्या था कि जब वो दोनों परफेक्ट कम्पिटेटिव प्राइस पर आ जाते थे तो बट इसमें वो इक्वलिब्रियम इस में, में नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे क्योंकि उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी लिमिटेड है अब जब ये बी वाला मार्केट में आया ना बी ने सोचा कि अगर मैं अपने प्राइस को ए से थोड़ा बढ़ा लूं, तो क्या मुझे नुकसान होगा नहीं होगा बैटरन के मॉडल में नुकसान होना था उसे क्योंकि अगर बड़े हुए प्राइस पर उससे तो कोई खरीदने नहीं, नहीं आएगा बट इस मॉडल में उसको नुकसान नहीं होगा प्राइस बढ़ाने से क्यों नहीं होगा क्योंकि ए के पास लिमिटेड प्रोडक्टिव एक चीज को ध्यान से समझिए आपको एक चीज मिल रही है एक कस्टमर से दस रुपए दस रुपए के ठीक है बट इसके पास सिर्फ दस प्रोडक्ट्स ही है दस यूनिट्स ही है तो जब इसके पास से दस यूनिट्स खत्म हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे तो दूसरी दुकान पे जहाँ पे ये चीज बीस रुपए की मिल रही है वो बिजली सी बात है वहां पर लेने जाओगे वहां पे लेने जाओगे ये दस यूनिट ही है इसके पास दैट मीन इट प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज लिमिटेड समझे बात तो जैसे ही एक कम प्राइस पर चीज बिकनी बंद खत्म हो जाएगी उसके पास क्वांटिटी खत्म हो जाएगी तो बी सोचता है कि कस्टमर्स फिर मेरे पास आएंगे बड़े हुए प्राइस पर खरीदे दैट्स द रीजन कि यहाँ पर वो अपने प्राइस को बढ़ा लेता है बट बैटर में वो नहीं बढ़ा रहा था में वो क्या कर रहा था कि एक प्राइस कम करके यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ रहे थे यहाँ पर कोई उठ के अपने प्राइस को फिर से नहीं बढ़ा रहा था क्योंकि उनको पता था प्राइस बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है हमसे तो कोई चीज खरीदने आएगा ही नहीं बिकॉज प्रोडक्टिव कैपेसिटी अनलिमिटेड है दूसरा फार्म जो है उसके आगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसने दस यूनिट ही प्रोड्यूस करने है वो जितने मर्जी यूनिट प्रोड्यूस कर तो हमसे तो कोई खरीदने नहीं आएगा बट एजुअर्थ के मॉडल में ऐसा नहीं हो रहा एजोअर्थ के मॉडल में फार्म को पता है कि उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है तो अगर ए जो है अपना प्राइस इतना रखता है बी उठ के अपना प्राइस एकदम से बढ़ा लेता है ये सोच के कि जब इसके पास इसकी लिमिटेड कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो लोग मेरे से बड़े हुए प्राइस पर लेने आएंगे जो फॉर्म हैं, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही जस्ट घूमते रह जाते है ना जो फॉर्मस प्राइस इन दोनों के बीच में ही वो घूमते रह जाते आई बात है और किसी भी तरह के पर वो नहीं पहुंच पा ठीक है मार्केट को इक्वल शेयर कर रहे हैं अभी हमने देख लिया ठीक है फर्म सबसे पहले प्राइस को कम करते हैं और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस पर पहुंचते हैं बट यहाँ पे वो इक्वली में नहीं आते फिर एक फॉर्म उठता है और अपने प्राइस को बढ़ा लेता है और मोनोप्लिस्ट प्राइस चार्ज कर लेता है तो ऐसा ही चलता रहता है फॉर्म जो है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस के बीच में ही घूमते रहते हैं ठीक है बाकी इसकी ये बैटर्न की तरह सेम है कि एक फॉर्म ये एज्यूम करके चलता है कि दूसरा फॉर्म अपने प्राइस को कॉन्स्टेंट रखे ठीक है सो वी दस कंक्लूड दैट इन एजर्स डूपोली मॉडल इक्वलिब्रियम इसमें बिल्कुल इनडिटर्मिनेट है जो प्राइस है वो मोनोपली एंड कॉम्पिटिटिव के बीच बीच में ही घूमता रहता है ठीक है फाइन आ गया समझ में सबको एज मॉडल तीन मॉडल्स हमने किए किसी को किसी में कोई दिक्कत है सो प्लीज आस्क अदरवाइज आई विल एंड सेशन आज 40,000 हजार सब्सक्राइबर जो है हमारे चैनल के कंप्लीट हो गए हैं प्लीज डू लाइक एंड शेयर कि 50,000 बहुत ही जल्द जो है इस चैनल के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। हाँ आ गए समझ में ना चलो अब स्टैकल बर्ग रह गया और किंग डिमांड कब रह गए? वो हम कल समझेंगे और अगर नहीं कुछ समझ में दोबारा से एक बार वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा ठीक है चलो सो so, इसके अलावा आप पूरा अगर अन अकेडमी पर पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बता दूं कि 20 परसेंट ऑफ चल रहा है सिर्फ आज के दिन ही वैलिड है अगले वाले यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे हम प्लस में तो सिमर टेन मेरा कोड है डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है उसके थ्रू आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसके अलावा मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पे मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं यू कैन ज्वाइन दैट क्लासेज अदरवाइज आप सिर्फ टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है वहां पे आपको सभी क्लासेस के अपडेट्स जो है वो मिल जाते हैं और UGC नेट इक्नॉमिक्स की बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप डायरेक्टली जो है वो बुक खरीद सकते हैं ओके नहीं रेशु कुमारी जी कुरनो मॉडल में डिटर्मिनेट सोल्यूशन था कुरनो मॉडल में ये पता लग रहा था कि हम टोटल आउटपुट का टू बाई थ्री प्रोड्यूस कर रहे हैं और टोटल प्राइस का टू बाई थ्री रख रहे हैं उसमें सोल्यूशन डिटर्मिनेट था बट एजुअर्थ में नहीं है डिटर्मिनेट एजुअर्थ में जस्ट वो ऑस्किलेट करी जा रहे हैं मेनोपलिस्ट प्राइज परफेक्ट कॉम्पिटेटिव प्राइज में उनका कोई डिटर्मिनेट सोल्यूशन नहीं है इसमें ठीक है ओके सो थैंक यू वेरी मच हाँ कुरनो मॉडल में बिल्कुल भी लिमिटेड प्रोडक्शन नहीं है उसमें अनलिमिटेड ही है बैड ट्रेंड की तरह चलो ओके जी थैंक यू एक बाय